हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आईटीबीपी के तरफ से आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस का वैकेंसी आ चुका है फ्रेंड, जिसमें आप लोग का फ्रेंड कुक का काम करना होगा। ये वैकेंसी फ्रेंड कुक के पद पे है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेंड के फॉर्म कब से कब तक भराएगा, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और वैकेंसी के बारे में समझते हैं। फ्रेंड, इस वैकेंसी से संबंधित मैं आप लोग को एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। तो चलते हैं फ्रेंड अपने वीडियो के टॉपिक पर। फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें फ्रेंड, तो 2 सितंबर 2024 से इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर 2024 तक भरा जाएगा। समझे ना फ्रेंड। इसमें फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें फ्रेंड, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को फॉर्म भरने में 100 रुपया लगेगा। एसी एसटी या महिला है उसे फॉर्म भरने में 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इसमें फ्रेंड 18 से 23 साल के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल वाले ओबीसी की उम्र में 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी की उम्र में 5 साल का छूट मिलेगा। यानी ओबीसी वाले 18 से 26 भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 18 से 28 और जनरल वाले 18 से 23 भर सकते हैं। आप लोग का उम्र फ्रेंड 1 अक्टूबर 2024 से आप लोग का उम्र काउंट किया जाएगा। इसमें टोटल फ्रेंड 819 पद है, जिसमें पुरुष के लिए फ्रेंड 679 पद है और महिला के लिए 112 पद है। कांस्टेबल रसोई सेवा में, इसका मतलब एक कुक का पद है फ्रेंड, समझे ना। सेवाएं, रसोई सेवाएं इस पर लिखा गया है, लेकिन आप लोग कुक का ये वैकेंसी रहने वाला है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कैटगरी वाइज वैकेंसी बताया गया कि कौन से कैटगरी में कितने पद पर वैकेंसी है, तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जनरल में फ्रेंड पुरुष में 289 सीट है और महिला में 69 सीट है, समझे ना फ्रेंड, जो कि टोटल जनरल में फ्रेंड 485 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में 41 पोस्ट है पुरुष में, महिला में 7 पोस्ट, टोटल 48 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति में टोटल 60 पोस्ट पुरुष में और महिला में 10 पोस्ट, टोटल 70 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग में 128 पोस्ट पुरुष में और महिला में 24 पोस्ट, यानी 162 पोस्ट टोटल। ईडब्ल्यूएस में 69 पोस्ट पुरुष में और महिला में 12 पोस्ट टोटल, यानी 81 पोस्ट टोटल। कुल पोस्ट पुरुष में है फ्रेंड, कुल पोस्ट पुरुष में सभी कैटेगरी को मिलाकर 679 और को टोटल महिलाओं के लिए जो सीट है सभी कैटेगरी में मिलाकर वो 112 है। टोटल 819 पद है, टोटल 819 पोस्ट है फ्रेंड, 1800 पद नहीं है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर योग्यता के बारे में बताया गया कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड, वह विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो 10वां पास हो, किसी भी बोर्ड से कितना भी परसेंटेज से 10वां पास है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उनके पास खाद्य उत्पादन एवं रसोई में NSQF वाला लेवल 1 का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। NSQF वाला लेवल 1 का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से आप लोग को बन सकता है। आप लोग को 500 से 1000 रुपया लगेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र में आप लोग जाएंगे तो वहाँ से आप लोग को बन जाएगा, समझे ना फ्रेंड। और फ्रेंड, इस वैकेंसी से कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोग को कमेंट के माध्यम से डाउट को सोल्व करने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब के बगल में घंटी होगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वैकेंसी से संबंधित, वो आप लोग के पास जाएगा और आप लोग वैकेंसी के बारे में समझ पाएंगे। जो भी वैकेंसी आएगा फ्रेंड, कभी कई सारे वैकेंसी आ चुका है आईटीबीपी में ही फ्रेंड, कई सारे वैकेंसी आ चुका है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी वीडियो में वैकेंसी संबंधित बनाऊंगा आप लोग के पास जरूर जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद।